आगे फोन पे तुम्हारा तो ऐसे कंप्लेन करनी थी। प्रतिज्ञा द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण के लिए कार्य किया जाता है। मऊ छावनी परिषद में जल बचाओ के स्टिकर निकाल के जल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। वहीं पौधारोपण के लिए प्रदेश को रेगिस्तान बचाओ, मऊ को हरियाली मुक्त बनाओ। ये जो पानी की टंकी है, इसका जो कुआं यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी मेहनत निजी मेहनत से खोद के जब अकाल पड़ा था बनाया था, वही 1945 और 55 के बीच में टंकी बनाई गई थी। किंतु 10 साल से छावनी परिषद ने यहाँ पे घूड़ा घर बना रखा है। इस घूड़े के कारण यहाँ का पानी दूषित होता है, इसलिए सामाजिक संस्था ने कई बार ज्ञापन दिए, छावनी परिषद का पुतला जलाया, फिर भी छावनी अधिकारियों के कान पे जू नहीं रह रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भास्कर केबल के माध्यम से ये मामला उठाना चाहते हैं, ताकि अधिकारियों के दिल और दिमाग में आम आदमी की भावना पहुंचे, वह समझे कि आज जल की क्या कीमत है। 1000 लोग इस टंकी पर निर्भर हैं, यहाँ के आसपास के लोग इस जल पर निर्भर हैं, किंतु छावनी परिषद ने जो कूड़ादान बना रखा है, जिसके कारण लोग मुंह पे कपड़ा बांध के और घंटों यहाँ खड़े रहते हैं और पानी भरते हैं। बसों से ये गंदगी फैल रही है, कोई बंदी आते ही नहीं है, ये बदबू से जब ये सब पानी भरना पड़ता है। सफाई तो होती नहीं, सफाई नहीं करके लग जाते सही तरीके से, कचरा सारा उठा कर तो नाली को नाली कितनी भर रही है, इधर को नाली में पानी भरते हैं टंकियां भर के लगते हैं, कचरा आसपास आ रहा है, कोई उठा नहीं, क्या आसपास उठा कर पटक गई है, कचरों का ये रहता है। हटाई दो इसे, हटाई दो इसको, तो बात आती है पानी भरते हैं तो खराब ही रह जाता है, पानी तो हटाएगी, कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पानी में खराब होता है, पानी भर पाते हैं और क्या। और